देखिए, हमने इस सारी चीज़ को लेकर के यही कहा है, बार बार कहा है कि आने वाले समय में हमको ऐसा लग रहा है कि सर्दी के मौसम में ये मामले और बढ़ सकते हैं, और इसलिए और ज़्यादा सावधान होकर के काम करने की आवश्यकता है। शादियों पर और दो सोशल गैदरिंग में जहाँ खुला ग्राउंड है, मैदान है, वहाँ तो हमने रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है, वहाँ हमने एक ही बात कही कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करिए। लेकिन जो इंडोर जो शादियाँ 6-6 घंटे 8-8 घंटे हम हॉल के अंदर जहाँ बड़ी भीड़ में ये कर रहे हैं, संक्रमण वहाँ से काफ़ी ज़्यादा निकल रहा है। और उसके साथ साथ में मैं सभी लोगों से आपके माध्यम से भी अपील करता हूँ कि सावधानी एकमात्र रास्ता है, और सावधानी के साथ काम करें, और इस कोरोना को रोकने के लिए हम सब लोगों को मिलकर के काम करने की ज़रूरत है। देखिए, लॉकडाउन का नहीं, लेकिन और सख्ती करने का विचार कर रहे हैं हम, हो सकता है कुछ आने वाले समय। देखिए, मैं इसमें अभी भी हम इसी बात को कह रहे हैं कि हम इस बात पर सोच रहे हैं कि अब जो कार्यक्रम आने वाले समय में जो भी किए जाए, एंश्योर किया जाए सोशल डिस्टेंसिंग, एक बात। अगर सोशल डिस्टेंसिंग एंश्योर करने के साथ में कुछ में कठिनाई आएगी तो हम कार्यक्रमों को भी थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करने की। देखिए, मैं इस सारे दौर से बिल्कुल बाहर निकलना चाहता हूँ। सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश का एक प्रेस्टिजियस एक डेवलपमेंट का हमारा एक यूनिट है। ऐसी परिस्थिति में हमारी कोशिश ये है कि इसके लिए जो भी सहयोग प्रदेश सरकार की ओर से दिया जा सके वो हम दे रहे हैं। कुछ टेक्निकल इश्यूज़ को लेकर के, कुछ कन्फ्यूज़न को लेकर के कुछ बातें आई हैं, मैं समझता हूँ कि उनको विराम देना चाहिए, चाहे केंद्र में है चाहे प्रदेश में है। हमको मिल करके इस यूनिवर्सिटी को वहाँ पर ज़मीन पर खड़ा करना है, ताकि लोगों की हम ठीक प्रकार से आकांक्षाओं और उनकी उम्मीदों को पूरा कर सकें। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।